पड़ोसी मुल्क के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बीमार चल रही पत्नी कुलसुम नवाज को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। गुरुवार से वो लंदन के एक हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड में एडमिट थी। खबरों की माने तो कुलसुम की तबीयत गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने से और ज्यादा बिगड़ गई। कुलसुम को वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन फिर भी लाइफ सपोर्ट मशीन और इमरजेंसी मेडिसिन भी दिए जाने के बावजूद उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। खबरों की माने तो नवाज शरीफ की बेटी ने ट्वीट कर अपनी माँ की तबीयत की जानकारी दी। उन्होंने लिखा था, जब हम फ्लाइट में थे तब अचानक अम्मी को दिल का दौरा पड़ा और वो तभी से आईसीयू के वेंटिलेटर पर हैं। आप सभी उनके लिए दुआ करें, ऐसा मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ। इसके अलावा अगर खबरों की माने तो कुलसुम की तबीयत अचानक बिगड़ गई और जब उनको एडमिट करवाया गया तो हालात कुछ संभलते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनकी बेटी मरियम कुलसुम से मिलने के लिए लंदन भी गई थी और वो उस दौरान अपने कैंसर का इलाज करा रही थी। साल 2017 में गले के कैंसर का कुलसुम को पता लगने के बाद उन्होंने एक सर्जरी भी कराई थी, जिसके बाद वो इलाज और थेरेपी की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। ऐसे मुश्किल वक्त में हम तो बस यही प्रार्थना करेंगे कि वो जहां भी रहें सुकून से रहें। नेक्स्ट नाइन लाइफ से शिवानी की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।